सो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल तिवारी एंड इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों में से काफी सारों का ये क्वेश्चन आता रहता है कि यार हमें यहाँ पर स्मार्टफोन ऑफलाइन मार्केट से परचेस करना चाहिए या फिर ऑनलाइन मार्केट से परचेस करना चाहिए, कहाँ पर स्मार्टफोन ज्यादा सस्ता मिलेगा, कहाँ से परचेस करना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ ऑफलाइन स्मार्टफोन मार्केट और ऑनलाइन स्मार्टफोन मार्केट के बारे में, कि कहाँ पर स्मार्टफोन वगैरह आपको परचेस करना चाहिए और कहाँ पर जो ज्यादातर जो स्मार्टफोन है वो आपको सस्ते में देखने के मिलेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप यहां पर स्मार्टफोन वगैरह परचेस करना चाहते होंगे, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इसके साथ दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो यार जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं इस तरह कोई वीडियो अपलोड करूं तो जो वीडियो है सबसे पहले यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्मार्टफोन आपको सस्ते कहां मिलते हैं, ऑफलाइन मार्केट में सस्ते मिलेंगे या फिर ऑनलाइन मार्केट में सस्ते मिलेंगे। तो यार यहां पर दो चीजें निकल कर आ जाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पुराने स्मार्टफोन के बारे में, ओल्ड स्मार्टफोन के बारे में। यहां पर अगर आप एक ओल्ड स्मार्टफोन परचेस करने जा रहे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें रियलमी 5 वगैरह स्मार्टफोन के बारे में, तो रियलमी 5 जो स्मार्टफोन है वो अभी आपको फ्लिपकार्ट वगैरह पे बहुत ही आसानी से नहीं मिलेगा। ये जो स्मार्टफोन है ऑनलाइन जल्दी स्टॉक में नहीं आते हैं, जितने भी पुराने स्मार्टफोन हो गए हैं। लेकिन वहीं अगर आप अपने मार्केट में चले जाएं तो आपको बहुत ही आसानी से ये स्मार्टफोन मिल जाएंगे और वहां पर आप इन स्मार्टफोन को परचेस भी कर लेंगे। तो इसके पीछे का रीजन ये होता है कि ऑनलाइन मार्केट में ज्यादातर जो लोग होते हैं वो पुराने स्मार्टफोन को परचेस नहीं करना चाहते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें ऑफलाइन मार्केट की, शॉप की, दुकानों की जो कि मार्केट में है, तो वहां पर ये जो पुराने स्मार्टफोन बहुत ही आसानी से बिक जाते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर दुकान वाले के पास गया, बोला कि यार हमें 15,000 रुपए में एक नया स्मार्टफोन परचेस करना है, तो ऐसे में वो उसे रियलमी 5 प्रो स्मार्टफोन पकड़ा देगा और बहुत ही खुश होकर के वो स्मार्टफोन लेकर के चला जाएगा। क्योंकि दोस्तों, आज के भी डेट में ज्यादातर जो लोग हैं उनको ये पता नहीं है कि यार ये स्मार्टफोन इतना पुराना है तो हमें स्मार्टफोन को नहीं परचेस करना चाहिए, ये आउटडेटेड स्मार्टफोन हो चुके हैं और ये कितने साल पहले लॉन्च हुआ था और इसके साथ में इसका कौन सा अपग्रेडेड वर्जन अभी चल रहा है, जैसे कि रियलमी 5 है तो रियलमी 8 आने वाला है, इन सब चीजों के बारे में उनको कोई मतलब नहीं होता। उनको एक काफी अच्छा स्मार्टफोन परचेस करना होता है और इसी के चक्कर में पुराने जो स्मार्टफोन है वो बहुत ही आसानी से ऑफलाइन मार्केट में निकल जाते हैं। तो अब यहां पर बात आ जाती है कि यार जो पुराने स्मार्टफोन, अगर हमें पुराना स्मार्टफोन परचेस करना है तो ऑनलाइन सस्ता मिलेगा या फिर ऑफलाइन सस्ता मिलेगा। तो यहां पर जो पुराना स्मार्टफोन है, मेरा मानना यह है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, कि जो पुराने स्मार्टफोन है वो ऑफलाइन मार्केट में आप बार्गेन वगैरह करके ऑनलाइन से ज्यादा सस्ते में परचेस कर लेंगे। क्योंकि ऐसे में जो कंपनी वगैरह होती है उनको स्टॉक बस निकालना होता है और ऐसे में जो सेलर है वो 1,500 रुपए प्राइस ऊपर नीचे करके स्मार्टफोन को निकाल देता है। तो ये तो बात हुई पुराने स्मार्टफोन की। यार अगर आपको पुराना स्मार्टफोन परचेस करना है तो आप बेसिक से जाकर के अपने लोकैलिटी में जो भी दुकान वगैरह है वहां पर ये सारी चीजें ट्राई कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसके साथ बात आ जाती है कि यार नए स्मार्टफोन की क्या कुछ प्राइस रेंज रहती है ऑफलाइन मार्केट में। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन मार्केट में जो नए स्मार्टफोन जिस प्राइसिंग पे मिल रहे हैं उससे 1,000-1,500 रुपए जो प्राइसेस होती हैं वो ऑफलाइन मार्केट में ज्यादा होती हैं। अब इसके पीछे का रीजन मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जो नए स्मार्टफोन होते हैं, जैसे कि जो रियलमी 7 स्मार्टफोन, अगर आप रियलमी 7 स्मार्टफोन को ले लें, तो जो रियलमी 7 स्मार्टफोन जब लॉन्च हुआ था तो ऑनलाइन मार्केट में फ्लिपकार्ट वगैरह पे ये जो स्मार्टफोन बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहा था, क्योंकि स्मार्टफोन मिल ही नहीं रहा था। लेकिन वहीं पर दोस्तों, जब मैंने ऑफलाइन मार्केट में जाकर के देखा तो वो स्मार्टफोन जो है वो यहाँ पर शॉप पे अवेलेबल थे और मैं उस टाइम आपको बताया भी था जब रियलमी 7 स्मार्टफोन वगैरह लॉन्च हुआ था कि स्मार्टफोन मार्केट में अवेलेबल है और इसकी जो प्राइसिंग है वो ऑनलाइन मार्केट से 2,000-2,500 रुपए ज्यादा ली जा रही है ऑफलाइन मार्केट में। तो ऐसे में जो दुकान वाले हैं, जो शॉप वाले हैं, उनको पता है कि यार ऑनलाइन स्मार्टफोन जल्दी मिलेगा नहीं, आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, तो जो कस्टमर है वो आएंगे हमारे पास ही। तो ऐसे में हम उनसे 1,000-1,500 रुपए बढ़ा करके भी जो प्राइस है वो ले लेंगे और वो खुशी-खुशी देकर के स्मार्टफोन को ले जाएंगे। तो ये चीजें निकल करके आती हैं। अब यहां पर अगर आप एक नया स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ऑनलाइन ही शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन में जाते हैं तो आपको 1,000-2,000 रुपए तक ज्यादा देना पड़ सकता है। और दोस्तों, यहां पर एक क्वेश्चन और निकल करके आता है, काफी लोग ये पूछते हैं कि यार रियलमी रेडमी वगैरह की जो ऑथराइज शॉप होती है, जो कंपनी की शॉप होती है खुद की, तो वहां पर जो प्राइजेस रहती है उनका क्या है। दोस्तों, ऐसी कंडीशन में आपको बता दूं कि यार मैं हर जगह के लिए तो श्योर नहीं हूं, लेकिन जहां तक मैंने देखा है कि अगर आप रियलमी वगैरह की जो ऑथराइज खुद की शॉप होती है, जैसे कि रियलमी स्टोर वगैरह है, तो उस पे अगर आप रियलमी वगैरह के किसी भी स्मार्टफोन को परचेस करना चाहते हैं, अगर नया स्मार्टफोन वहां पर अवेलेबल है, स्टॉक में है, तो ऐसी कंडीशन में वहां पर भी जो स्मार्टफोन है वो आपको ऑनलाइन की प्राइसिंग में ही देखने के लिए मिलते हैं। जो प्राइस ऑनलाइन है
वही प्राइसिंग आपको Realme वगैरह की जो रजिस्टर्ड खुद की शॉप है उन पे देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि Realme Redmi वगैरह की जो खुद की ऑथराइज शॉप है वो हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, बहुत ही कम प्लेसेस पे अवेलेबल है, इनफैक्ट मेरे एरिया में खुद अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ चीजें निकल करके आती है ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट को लेकर के, मैंने सोचा जरूर से आपके साथ में इसके बारे में शेयर करना चाहिए, काफी लोगों का ये क्वेश्चन आता रहता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग करना ज्यादा प्रेफर करते हैं या फिर आप यहाँ पर ऑफलाइन शॉपिंग करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, जरूर से अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अब फाइनली दोस्तों ये था इस वीडियो में, आशा करता हूँ जानकारी समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक कमेंट से जो कर लीजिएगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।